नमस्कार बच्चों, मैं इससे पहले वीडियो में आपसे भूमिति के पहले पार्ट में चल रहे थे भूमिति के मूलभूत समूह, इसके बारे में जानकारी दे रहा था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले मुद्दे पहुंचते हैं, जो हमारा अगला मुद्दा है मध्यता, जो आपके सामने लिखा गया है मध्यता। आगे जी में कहते हैं बिटवीननेस। अब ये मध्यता कैसे पहचान गया, तो इसके पहचाने के लिए पहला पॉइंट आपको याद करना होगा कि जो भी बिंदु होंगे एक रेखीय बिंदु होंगे, यानी एक ही रेखा में बिंदु स्थित हो। और दूसरा पॉइंट यह है कि अब तीन बिंदु होंगे, जैसे आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए चौक है, एक सफ़ेद है एक पीला है, इसका ये आरंभ बिंदु है, ये मध्य बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, यानी अलग कर दे तो इस प्रकार से है, जब मिला देंगे तो आरंभ और अंत एक ही में, तो ये जो आरंभ और अंत बिंदु की जो दूरियां हैं इसकी दूरी अन्य दो दूरियों के बराबर है, जो पीला चौक इसकी दूरी और जो सफ़ेद चौक इसकी दूरी, ये दोनों का योग अगर बराबर सबसे बड़ी दूरी के योग के बराबर आता है तब हम कह सकते हैं कि इसके बीच में मध्यता का संबंध स्थापित हो सकता है। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हैं, चलिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट जिसमें आपको एक रेखा बना दिया हूँ और उसमें तीन बिंदु है, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, यानी पहला बिंदु P हो गया, दूसरा बिंदु Q हो गया और तीसरा बिंदु R हो गया। अब ये तीनों बिंदु में कौन सा बिंदु मध्य में दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो बिंदु Q है, यह बिंदु Q बिंदु P तथा R के मध्य है, जो मैं यहाँ पे लिख के लिया हूँ कि बिंदु Q यह P तथा R के मध्य में। अब इसी बिंदु को हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, फिर से एक रेखा बनाए, फिर से हमें बिंदु रहता है, पहला बिंदु है P, दूसरा बिंदु है R, तीसरा बिंदु है Q। अब पहचान है कौन सा बिंदु किन दो बिंदुओं के मध्य में है, तो देखिए ये जो बिंदु R दिखाई दे रहा है आपको, ये बिंदु R बिंदु P तथा Q के मध्य में, जो हमने नीचे लिखा बिंदु R यह P तथा Q के मध्य में। और इसी को तीसरी संभावना देखिए, इस प्रकार यहाँ भी रेखा बनाए, यहाँ भी बिंदु दर्शाया हूँ, बिंदु R बिंदु P और बिंदु Q, तीनों बिंदु के रेखीय हैं, और ये जो बिंदु P है ये किसके बीच में आ रहा है, बिंदु R तथा Q के, यानी बिंदु P बिंदु R तथा Q के मध्य में है, यहाँ लिख के रखा हूँ बिंदु P यह R तथा Q के मध्य में है। और इसके आगे देखिए, अब ये पॉइंट है जो आपका लिखा है, यदि डिस्टेंस PQ यानी दूरी PQ धन दूरी QR बराबर दूरी PR हो तो, अब ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, तो पहली आकृति देख रही है इसमें मिलेंगी कि डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस QR, यानी दूरी PQ और दूरी QR का जब योग करेंगे तो कौन सी दूरी मिलेगी आपको, PR, और इसी के बीच में मध्यता का संबंध स्थापित होता है, जो यहाँ लिख के दिया हूँ नीचे लिखिए, यदि डिस्टेंस PQ धन डिस्टेंस QR बराबर डिस्टेंस PR हो तो Q या बिंदु P तथा R के मध्य में, Q दिखाई दे रहा आपको, इधर भी Q है इधर भी Q है, यानी जो बिंदु Q है दोनों ही बिंदु के मध्य में होगा, ऐसा कहा जाता है। इस मध्यता को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, P डैश Q डैश R द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये थे मध्यता के बारे में आपको जानकारी दी। अब इसी पे आधारित हम प्रश्न करेंगे और पहचानेंगे कि किस प्रकार मध्यता का संबंध इनके बीच में स्थापित है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने उदाहरण लिया हूँ, उदाहरण नंबर एक, किसी संख्या रेखा पर ए बी तथा सी बिंदु इस प्रकार है कि दूरी या डिस्टेंस ए बी बराबर 5, डिस्टेंस बी सी बराबर 11 और डिस्टेंस ए सी बराबर 6 हो तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में होगा। तो हमारा सवाल ये था, किसी संख्या रेखा पे हमने तीन बिंदु लिए हैं ए बी सी, और उसी बिंदुओं
के आधार पर उनकी दूरियां भी लिख के दिए हैं, और दूरियों के अनुसार आपको ये पहचानना है कि ये तीनों बिंदु में ए बी सी में कौन सा बिंदु किस अन्य दो बिंदुओं के मध्य में। तो पहले चलते हैं सवाल की तरफ, आइए देखिए। अब सवाल करके ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 11 और ए सी बराबर 6। अब आपको ये पहले पहचानना है कि सबसे अधिक दूरी वाली कौन सी है। तो सबसे अधिक दूरी किसकी है, बी सी की, कितनी है, 11। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ, जब हल करेंगे तो डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी की दूरी 11 है, तो लिखिए मेरे डिस्टेंस बी सी बराबर 11। सबसे अधिक दूरी इसकी है, इसको दे दिए कथन नंबर ए। आई बात समझ में। अब इसके बाद में बची दूरी कौन सी दो है, एक डिस्टेंस ए बी बराबर 5, दूसरा है डिस्टेंस ए सी बराबर 6। अब ये दोनों का योग दे रहे हैं आपको कि कितना आता है, तो लिखेंगे नीचे डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस ए सी बराबर 5 धन 6। अब जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 6 5 11। ये किसका माना गया, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी, इसको दे दीजिए कथन नंबर 2। अब कथन 1 और कथन 2, यानी कथन 1 और 2 को देखेंगे। तो जब दोनों को देखेंगे तो दोनों का दाहिना पक्ष देखिए, ये यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11, यानी दोनों का दाहिना पक्ष क्या हो गया, समान। जब दाहिना पक्ष समान होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका बाएं पक्ष समान हो गया। इसलिए यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी। अब ये कहाँ से लाए, क्या लिख के दिखा दिए, कथन ए तथा 2 से लाए। अब देखिए जब लाए तो यहाँ पर बिंदु या दूरी ए बी और दूरी ए सी में कौन सा बिंदु कॉमन है, तो बिंदु ए, यानी इसके बीच में मध्य संबंध स्थापित होता है, यानी दोनों पक्ष समान है। इसलिए पहले हम ये लिखेंगे कि ये तीन बिंदु कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी एक रेखी बिंदु है। कब लिखेंगे, जब दोनों पक्ष समान है, तब कि बिंदु ए बी तथा सी एक रेखी बिंदु है। अब जब एक रेखी है तो ये ध्यान देखिए हमने बाएं पक्ष की तरफ कि यहाँ ए बी है और ए सी, तो दोनों में कौन सा बिंदु समान है, तो दोनों में ए, यानी बिंदु ए यहाँ है नीचे कि बिंदु ए यह बिंदु बी तथा सी के मध्य में है। आई बात समझ में। इस प्रकार हम लोग मध्य का संबंध दिखा सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं, सवाल था आपका किसी संख्या रेखा पर ए बी तथा सी बिंदु इस प्रकार है कि दूरी दी गई है डिस्टेंस ए बी बराबर 5, डिस्टेंस बी सी बराबर 11 तथा डिस्टेंस ए सी बराबर 6, तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में होगा। ये सवाल इसी सवाल के आधार पर हमने यह निर्णय लिया कि जो सबसे अधिक दूरी है उसको देखिए किस बिंदु का है। तो इसमें दूरी है जो 11 सबसे अधिक है, किसकी दूरी है, डिस्टेंस बी सी, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बी सी बराबर
ग्यारह, इसको दे दिया कथन नंबर ए। और बाकी दो दूरियों का योग देख लिया चेक कर लिए, तो डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस ए सी, ये दो दूरियां बची थी, अब दोनों का मान रख दिए, डिस्टेंस ए बी का मान 5 और डिस्टेंस ए सी का मान 6, 5 और 6 को मिला दिए तो 11 हो गया। 11 किसका मान आ गया, डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस ए सी बराबर 11, इसको दे दिए कथन नंबर 2। अब कथन 1 और 2 का बायां पक्ष समान है, देखिए यहाँ पर भी 11 है यहाँ पर भी 11, जब बायां दाहिना पक्ष समान है तो बायां पक्ष भी समान होगा, तो बायां पक्ष क्या है डिस्टेंस बी सी और यहाँ था डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस ए सी, यानी डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस ए सी, ये कैसे किसके वजह से आया, जिसके हम कारण का कथन 1 तथा 2 से, जब दोनों पक्ष समान हो गया है तो जाहिर सी बात है पहले तीनों बिंदु जो ए बी सी है एक रेखीय बिंदु होंगे, तो हमने नीचे लिख दिया कि बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय बिंदु है, जब एक रेखीय बिंदु है तो मध्य समान पहचानेंगे, हमने बायां पक्ष रख दिया डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी, अब ये दोनों दूरी किस बीच में आ रही है बी सी के, तो दोनों बीच में कौन सा बिंदु छूट रहा है, तो ये छूट रहा है ए, इसलिए बिंदु ए बिंदु बी तथा सी के मध्य में है, इस प्रकार हम लोग मध्य संबंध को पहचान सकते हैं। और उसी बताइए एक और प्रश्न दिया हूँ जिसमें देखिए कि संबंध है कि नहीं, नहीं है तो किस प्रकार पहचानेंगे, आइए देखिए दूसरा सवाल लिख दिया हूँ, किसी संख्या रेखा पर आर एस टी बिंदु इस प्रकार है कि डिस्टेंस आर एस बराबर 8, डिस्टेंस एस टी बराबर 6 और डिस्टेंस आर टी बराबर 4, तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में होगा, तो पहले आप ये जान लीजिए तीन दूरियां दी गई है, डिस्टेंस आर एस बराबर 8, डिस्टेंस एस टी बराबर 6 और डिस्टेंस आर टी बराबर 4, तो सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, सो सबसे बड़ी दूरी आर है, किसका है तो बिंदु आर एस, पहले लिख देंगे यार कि डिस्टेंस आर एस बराबर आर, इसको दे दिए कथन नंबर ए, बच्चे दोनों दूरियां तो उनको भी लिख दीजिए, डिस्टेंस यस टी और डिस्टेंस आर टी, ये दोनों का योग करके देखना है आपको कि जो सबसे बड़ी दूरी के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो हो गया डिस्टेंस एस टी बराबर 6 है, डिस्टेंस आर टी बराबर 4 है, दोनों मिला दिए तो 6 4 10 हो गया, किसका गया मान, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी 10, इसको दे दिया हमने कथन नंबर 2, आई बात समझ में, कथन नंबर 2 दे दिया। अब कथन 1 और 2 का देखिए, अगर मान यहाँ पे 8 है यहाँ पे 10 तो असमान है, असमान होगा तो इसमें मध्य संबंध स्थापित होगा, और किस प्रकार दिखाएंगे तो देखिए, डिस्टेंस आर यस बराबर नहीं है, इसे इसको बराबर को हटा देंगे, किसके बराबर नहीं है, तो डिस्टेंस यस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, और ये कहाँ से मिला आपको, तो कथन 1 तथा 2 से हमें प्राप्त हुआ, इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहां पे लास्ट में कि बिंदु आर यस तथा टी में मध्यता का संबंध नहीं है, फिर से बात सुन लीजिए बट लीजिए किस प्रकार नहीं होगा, जैसे मेरा सवाल था कि किसी संख्या रेखा पर, यानी किसी संख्या रेखा पर तीन बिंदु है आर एस टी और तीनों बिंदु के अनुसार दूरियां दी गई, तीन दूरियां एंड बिंदु या दूरी आर एस बराबर 8 और दूरी एस टी बराबर 6 और दूरी आर टी बराबर 4, यानी 8 6 4 ये दूरियां दी गई, इसमें सबसे अधिक दूरी कौन सी थी,
8। इस 8 के बराबर अन्य दो दूरियों का योग अगर आता है तो हम ये पहचानते हैं कि इन तीनों बिंदुओं के बीच में मध्यता का संबंध है। अब नहीं है आता है तो नहीं है, कैसे नहीं तो देखिए सामने का आप देख कि सबसे पहले बिंदु डिस्टेंस आर एस बराबर 8, कथन नंबर 1। डिस्टेंस एस टी धन डिस्टेंस आर टी एम जो बची हुई दो दूरियां हैं उसका मान था 6 और 4, दोनों को जोड़ दिया 6 4 10। किसका मान आता है? डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, इसको दे दिया कथन नंबर 2। अब कथन 1 और 2 को जब देखेंगे तो दोनों का दाहिना पक्ष असमान है, कैसे कि यहाँ पे 8 मान है यहाँ पे 10, और इसी को लेकर आगे चलेंगे तो डिस्टेंस आर एस किसके और नहीं है तो इसे बराबर करके उसको काट दिया है, डिस्टेंस एस टी धन डिस्टेंस आर टी के बराबर नहीं है। और ये दोनों कहाँ से लाया है तो कथन 1 तथा 2 से। जो इस प्रकार संबंध होगा तो जाहिर सी बात कहेंगे कि बिंदु आर एस टी में मध्यता संबंध नहीं है और ये तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। इस प्रकार हम लोग पहचानते हैं मध्यता संबंध किस प्रकार पहचानना है। जाहिर सी बात हमें समझाया हूँ, आप अच्छी तरह समझे होंगे, और नहीं समझे तो फिर भी बार बार वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। और कोई भी समस्या है तो हमें आप हमारे ग्रुप पे आप अपनी समस्या को लिख के भेज सकते हैं और समस्या का समाधान हो सकता है। और इसी के आधार पर हमने आपको कुछ घर काम दिया गया है, और घर काम क्या है जरा देखिए एक नज़र, नीचे आइए। लिखा गया है गृह कार्य। अब गृह कार्य में आप करिए कि प्रश्न संग्रह 1.1 यानी प्रश्न 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों को हल करना है। ये आपका अग्रिका था कि प्रश्न संग्रह 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करके आपको दिखाना है, और किस प्रकार हल किए सही है गलत तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हमने आपको बोला कि जब घर काम का पूरा हो जाए तो उस घर काम के प्रति पृष्ठ के फोटो निकाल कर शुक्रवार को अपने जो कक्षा नवी का ग्रुप है बच्चों का उसमें भेजिए। भेजने के बाद तो हम चेक कर लेंगे, तब आपको बता देंगे आपने सही किया है या गलत किया है। और इसके बारे में हम अगले वीडियो आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार जी।